मास्टर बहादुर क्या बात है रुद्र सिंह, आप अपने दरबार का खुशखबरी मुझे सुनाइए। रुद्र सिंह दरबार का समाचार बिल्कुल ठीक ठाक है, किसी तरह की दिक्कत नहीं, सारा परिवार कुशल मंगल में, लेकिन तुम अपने समाचार सुनाओ कि आज क्या बात है। मेरा भी समाचार बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा बहादुर कैसे आना हुआ? भाई साहब मैंने आज आपके दरबार इसलिए आया हूँ, दोनों बेटा को जो आप बगीचा भेजे थे गेंद खेलने के लिए, दोनों बेटा बगीचा से दरबार आया या कि नहीं आया है? अच्छा बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ भाई साहब रुद्र सिंह दोनों बच्चे को समझा बुझा करके भेजा गया था और बिगर इजाजत के मैदान में से दोनों बच्चे में से कोई बिगर इजाजत के राज में आ ही नहीं सकता है, इसलिए दोनों बच्चे में से कोई नहीं आया है तो नहीं आया। भाई साहब आपका बेटा दरबार आया है या नहीं आया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे बेटा अमरजीत सिंह दरबार आया है। अमरजीत सिंह ऐसी क्या बात है? दोनों बेटा बगीचा में गेंद खेलना शुरू किया, मेरे बेटा के हाथ से जमीन पर गेंद गिर गया, मेरे बेटा के बदन पर मारते बिजली का कोड़ा से गोड़ा बदन को इंद्र सिंह काला कर दिया और बगीचा को छोड़ करके दरबार का रास्ता दिखा दिया। मतलब इंद्र सिंह अमरजीत को गेंद छूटने के कारण पिटाई किया। और रोते रोते आकर के तुम्हारे पास आने के ये जवाब किया। रुद्र सिंह अरे बच्चे की झंझट अक्सर होता रहता है, अगर बच्चे के झंझट वहीं पर इंसान को खत्म कर देना चाहिए कि बच्चे को आंख कान बच गया झंझट खत्म हो। अगर तुम्हारे बच्चे को मारपीट लगा है तो ठीक है, अपने बच्चों को बुला करके हरमजादा का 175 कोरा बदन पर तोड़ देंगे, आज के बाद तुम्हारे बच्चे के साथ गलती नहीं करेंगे। भाई साहब अगर मेरे बेटा को जान से भी मार देता इंद्र सिंह मैंने खुशी मनाता, लेकिन मेरे बेटा को इंद्र सिंह ये क्यों बोला कि जाकर के तुम अपने माँ और पिताजी से बोल ये राज को बंटवारा करने के लिए, अगर 24 घंटा के अंदर में राज को बंटवारा तुम्हारे पिताजी नहीं किया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके दरबार में लटका दूंगी। ये चर्चा लेकर के मेरे बेटा मेरे पास नहीं आया बल्कि अपने माँ के पास ये संवाद सुना दिया। मतलब इंद्र सिंह एक तो ऊपर से पिटाई किया, दूसरे संदेश भेज दिया कि जाकर कि तुम अपने माँ और पिताजी को बोल दो 24 घंटा के अंदर में राज को बंटवारा कर देने के लिए। अगर तुम्हारे पिताजी 24 घंटा के अंदर में राज बंटवारा करने से इनकार किया तो तुम्हारे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में टांग दे। यही बात है। ये चर्चा लेकर के रानी मेरे पास आ गई, मैंने 2-4 बिजली का कोड़ा मार करके दरबार से महल का रास्ता दिखा दिया। यहाँ तक पहुँचने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं था। अरे बच्चे में लड़ाई हुआ ना, हम दोनों भाई अभी वर्तमान में हैं, दोनों बच्चे को समझौता करना हम दोनों भाई का काम है, ये तो परिवार में हुआ झंझट, अगर आगे भी किसी तरह की झंझट तो मैं अपना बच्चा को समझा बुझा लेता, आइंदा किसी के साथ गलती नहीं करता। मालिक है क्या आखिर तो आ ही गई बेटा बात को नहीं छे मालिक ये रंग माले लो जने सा रम रानी आई चाहे।
आखिर आखिर तुम आ ही गई है। किया नहीं भाई, यहाँ का तय लिया है। मैंने अपने भाई से मिलने के लिए आया, हमें वे कर लिया तो यहाँ का थी ले लिया से पूछे चिया में। मैंने बोला ना कि अपने भाई से मुलाकात करने के लिए आया, मुलाकात करे ले लिए तो मुलाकात हमरा से पहले किया लिए, जब हमें आगू आगू लिए तो पाछू पाछू का थी ले लिया। हाँ इसके लिए तुमसे ऑर्डर लेना पड़ेगा। क्या ऑर्डर क्या लेवे, हमें कहलिए तो नहीं लिए, हमें आगू आगू लिए हम पाछू पाछू चल ले लिए, मन में कोनो संख्या बात कर रही। दारू पीना थोड़ी चाहिए, होश नहीं बात करे चाहिए। आज पहली बार रानी दरबार में आकर के जवाब कर रही है, इसका क्या मतलब है? अरे ये राज दरबार में हम दोनों भाई अभी मौजूद है, बरकरार है, तो कोई भी समस्या के समाधान हम दोनों भाई के बीच में हो जाना चाहिए। बहादुर ये सिर्फ तुम्हारी कमी है जो तुम्हारी पत्नी दरबार में आकर के सरासर जवाब कर रही है, ये तुम्हारी कमी है ना। जकरा मरद के बोले के लूर ने छोकर मौगी नहीं बोलते ना, एकरा कहिया बोले बोले के लूर फैले गया। रानी के बोल दे चली जाइए, कोई भी समस्या है हम दोनों भाई खुद फैसला कर लेंगे। अरे दुनिया को 75 मिनट में हम सलाह दे करके वापिस कर देते हैं, ये घर का छोटी सी बात है, भला हमसे ये पंचायत नहीं होगी। नेकरा कहियो बोले ले लइया, ई कहिया बोले ला सीखते ई 10 लोग में कहिया जेते ई बोले लगा दिमाग रे, दिमाग में भूसा कोतल छल ए इधर भूसा कोतल छ एकरा दिमाग में। ए बोलियो नहीं लकी बोले रुदर सिंह, तुम टटियाते रहो हम सुनते रहेंगे। हमें टटियावे छिया नहीं, तू समाचार दे रही है, तुम्हारा मरद मौका है छे। रुदर सिंह का मौका के देखे छे, तुम हमसे बात कर, अगर मुझसे बात करने के लिए आया है तो मुझसे बात कर, अगर नहीं उससे बात करना था तो तुम महल में ही बात करके आता। ठीक है भाई साहब, हम आपसे बात करेंगे। जब तुम मुझसे बात कर रहा है तो अपने रानी को बोल चली जाएगी, हम दोनों भाई अपने आप फैसला कर करके सारा डिसीजन दे देंगे, हम अपना बच्चा को क्या करेंगे नहीं करेंगे। हमें कतो से भाग कर लिए चल जेबे, कतो से भाग कर लिए यार कि ढला के से उठा के ना लखै यार। रुदर सिंह ये सारा यो जो ज्यादा बोल रही है तुम्हारी रानी, तुम्हारी कमी है। एकरा बोले ना नहीं आवे छ त हम नहीं बोलिए ना, बोले कहिया बोले ना सिख लिया कल के मार के मुरु त दम ने दुरुस मन धैया के करे जा मत काट लियो दौड़े छ मौगी के मारे ले। ऐसा कीजिए आप 2 मिनट के लिए दरबार को छोड़ दीजिए, हम उसे प्यार से समझा देता अभी दूरा। अरुदर सिंह तुम्हें समझाने बहुत अच्छा आता है, अगर समझाना होता तो तुम महल में समझा लेता। अरे मैं आपसे मिलने के लिए आया था। मिलने की क्या बात कर रहे, तुम हमसे बात कर रहा है या उससे बात कर रहा था? अगर वो चिल्ला रहे थे चिल्लाने दे, अगर मुझसे बात करे तो मुझसे बात कर, सीधी सी बात। ठीक है हम आपसे बात करेंगे। बोलता है बोलता है जब ऐसी बात है तो जरा उसका भी समस्या सुन लेंगे, बात क्या है किस लिए आई उससे पूछ। ये कहियो ना, कहियो ना जितना दिन साथ में रहिए आप साथ में नहीं रह अलग क्या देते, कहियो ना ये इमारत का आइन छा, इमारत छिए त बरात छिए, इमारत का आइन कता से ये ले या कल के जय इमारत का आइन है, इमारत जय बरात का पाइन है, बरात नहीं। अभी मौका है बोलेगा बोल ले, दांत बिचका दे छे लाज कर भाग गया छी, इमारत कता से ले। ये सारे बात तुमसे हम तो सीन लेंगे, अभी बोल बोल। रोदर सिंह समझ गया कि तुम्हारी पत्नी किस लिए आई, तुम दोनों के नजर में हम पागल आ रहे हैं, नजर हम पागल है तो तुम दोनों अपने आप में बतला रहा है, हम पागल की तरह सुन रहा, तुम्हारी पत्नी ज्यादा बोल रही है।
की बात है ना। अरे ज्यादा बोल रही है, मैं बताऊ मौकी, इसका मतलब मैं बेवकूफ है। ज्यादा बोल रही है तुम्हारी रानी राज के लिए। राज नहीं बंटवारा होगा, जिसको बुलाना है बुला कर, हम भी देखते कौन बंटवारा करके देते। भाई साहब, अगर ये राज को आप बंटवारा नहीं कीजिएगा तो मेरा तलवार आपके गर्दन पर चल जाएगा। अच्छा, संभाल क्या आया था रोदन सिंह? अभी तुम दोनों पति पत्नी जा सकता था। जिस तरह तुम्हारी पत्नी है तुम्हारे सामने जो बोल रही है, वो समस्या लेकर के तुम मेरे दरबार आए। मेरे भी पास पत्नी है, मैं भी अगर पत्नी की नहीं हूँ, मैं भी अपना पत्नी से सलाह समोड़ा लेकर के 10 मिनट के अंदर में तुझे राज बंटवारा करके देंगे। अभी तुम दोनों जा सकते हो। ठीक है, चलू चाय पी, चलू आबू, मलाई मार के चाय रखल छे। आबू नहीं बारे रुदल से आज पता चला है कि सही में भाई जैसा हित नहीं और भाई जैसा दुश्मन भी नहीं। अरे जिस भाई के लिए मैंने दुनिया से मार खाता रहा, एक दिन की बात है करिया जगलू, जिस समय मेरे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में टांग दिया था, मैं उस समय 5 वर्ष का था और रुदर सिंह माँ के गोद में दूध का छाना बना हुआ था। उल्टा हाथ बांध करके जगरू सिंह कैद में डाल दिया था और पीठ पर कोड़ा बरसाता रहा, फट्टा बरसाता रहा, लेकिन मैं तुझे एक फूल के छरी भी नहीं लगने की। आज तूने कह करके अपना बदला सधा लिया, तुमने समझ लो गर्दन उतार दिया, अब कुछ नहीं बचा है। रुदल सिंह, अरे मेरा गर्दन तुम क्या काटेगा? आपातकाल बिना सही बुद्धि, ठीक है, मैं रानी को बुला करके जरा मैं इस समस्या उसे बता देता हूं। I'm not afraid।
ये शेर की दरबार में मायूस बनकर बैठना, आंसू आंसू गिराना, ये शोभा नहीं देता है। ऐसा कौन सी दुर्घटना घट गया है कि मेरी गोत्री के बारे में बोल रहे हैं और मेरे प्यारा देवर के बारे में बोल रहे हैं कि अनशन बोल रहा है? सुनने के लिए चाहती हैं? क्यों नहीं रानी, एक दिन की बात है, दोनों बच्चे को मैंने मैदान में गेंद की तैयारी करने के लिए भेजा था और अचानक दोनों बच्चे में झंझट हो गया था और इंदर सिंह ने उसे मारपीट करके बाहर भेज दिया। वो समस्या लेकर के अमरजीत अपने माँ के पास पहुंच गया। जैसे उसकी माँ ये समस्या सुनी, वो समस्या लेकर के उसकी माँ बाबू रुदल सिंह के दरबार पहुंच गई और वो समस्या रुदल सुनने के बाद वो मेरे पास आकर के वो समस्या लेकर बाबू रुदल सिंह पहुंच गया। रुदल सिंह बोला, भाई साहब ऐसी बात है, मेरे बच्चे को इंदल सिंह ने पिटाई किया है। मैंने बोला, रे बहुदा, बच्चे कोई पढ़ाए तो है नहीं, दोनों बच्चे तो अपना ही है और बच्चे के झंझट अक्सर वहीं पर खत्म हो जाना चाहिए कि बच्चे कहाँ कान बच गया, झंझट वहीं पर खत्म हो गया। अगर उस बच्चे को बात लेकर के तिल से तार बनाओगे तो घर का बर्बादी होगी। चल, अगर तुझे इस बात को, तुम्हारी पत्नी को और तुम्हें दुख है कि मेरे बच्चे को आपका बच्चा मारपीट किया है, तो मैं अपने बच्चे को बुला करके समझा बुझा देता हूँ और हरमजादा को 175 कोड़ा बदन पर तोड़ देंगे। आज के बाद तुम्हारे बच्चे के साथ गलती नहीं करेंगे। रानी, और उन्होंने बोला, भाई साहब चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन ये क्यों बोला इंदर सिंह, तुम अपने माँ और पिताजी को जाकर के बोल दो 24 घंटा के अंदर में राज को बंटवारा करने के लिए। अगर तुम्हारे माँ और पिताजी राज बंटवारा करने से इनकार गया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में। ये इंदर सिंह ने इमरजीत से कहा? हाँ रानी, ये तो गलत है। यही चर्चा हम दोनों भाई के बीच चली रहा था, समझौता चली रहा था, इस बीच में उसकी रानी आकर के बीच में टपक करके मुझसे जवाब कर रही है टनाटन। क्या छोटी रानी भी पहुंच गई यहाँ? हाँ रानी, अरे मैंने यहाँ तक बोला रे बेहुदा, रानी तुम्हारी किस लिए आई है, जरा उसका भी संवाद हम सुनेंगे, जरा उसका भी फैसला करके मैं दरबार से महल को और भेज देंगे। बोल, तुम अपनी पत्नी को क्या जरूरत है, किस चीज के काम हुआ है, काम पड़ा है? उन्होंने बोली उसकी पत्नी कि जितने दिन चलने मरने वाला था चल चुका है, अब चलने वाला नहीं है, आप भला चाहिए चाहते हैं तो राज को बंटवारा कर दीजिए, अगर राज बंटवारा नहीं करते हैं तो घर में आग लगा देंगे, हम दोनों भाई बेटा जहर खा करके मर जाएंगे, दोनों भाई को, आप दोनों भाई को जाकर के सहरसा जेल में चक्की पिसवा देंगे। मैं सोच समझ करके चुप लगा लिया कि आगे अगर बढ़ते हैं तो मुंह लग जाएगी। मैंने उन दोनों को समझा बुझा करके भेजा कि जा सकते हो तुम दोनों, मैं अपने पत्नी को बुला करके जरा ये संवाद वहां तक कह देता हूँ। रानी, मैंने तुझे इसलिए बुलाया हूँ, जाकर को हरमजादा को समझा बुझा दे, चूंकि तुम दोनों देवर भाभी के बहुत बड़ा प्यार है, तुम्हारा कहना जरूर वो मान लेगा, अभी भी कुछ नहीं बगड़ा है, घर अगर बचाने के लिए चाहती है, घर बर्बाद होने से बचाने के लिए चाहती है तो समझा दे ताकि इस तरह की बतावरण न करे। मालिक बनने से पहले ये सोचे थे कि मालिक पर कितना बड़ा जवाबदेही रहता है? घबरा क्यों रहे?
पहले सोचना चाहिए कि जो घर के गार्जियन होते हैं चैन तरह की हवा रखता है उसे, नाना प्रकार की वातावरण को बर्दाश्त करना पड़ता है, इतना जल्दी नहीं उग पाता है जितना जल्दी इतना आप उगता गया है। जब वो लोग अपने बच्चे की मजबूरी के हालात में चले आए आपके पास, तो सोचना चाहिए जिसके दिल पर चोट पहुंचा हुआ कुछ भी बक देगा, उसे समझाना बुझाना प्यार से चाहिए। अगर ये था वो नहीं मानते थे, आप पूरे राज दे रहे थे, लेने से इनकार जा रहा था, उसी टाइम गार्जियन होने के नाते आपको समझना चाहिए ये दोनों आग बबूला बन गया है, किस टाइम क्या हो जाएगा, मैं यहाँ क्यों रहूं, चलो राजगति छोड़कर हट जाते हैं, झगड़ा खत्म हो जाएगा। दादा पंचायती कर दीजिए, तुम्हें पंचायती करने के लिए बुलाया, राज छोड़ दीजिए हम लोग चले, मेरा मालिक है वो देखेगा वही करेगा, राज छोड़ देगा चलिए आते ज्यादा पंचायती कर देंगे तू। अकाल सठ के आता मोगी से सीख लीजिए, बैठिए समझौता करने के बावजूद करे छोड़ करके चल दीजिए आगे आगे मैं बाप रे ना तो सुले सन लगा सटा लिया ना जने बुलब ना लटकल ना वो अंग्रेज हो गया वही डीसी लाल हो गया उसके कहने से हम चलेंगे। जब घर बर्बाद हो रहा है तो क्रोध में एक कोई ठंडा होइएगा तभी तो यह मामला खत्म होगी। जाने की बात कर रहे तो क्या आपको राजगति छोड़ के थोड़े दिल्ली पंजाब मंडी खटने के लिए भेज रही हूँ? तो ऐसे ही कह रही है ना, कहाँ जाना है ये भी तो बताइए। मर्द बाबू जला के हमारा बड़ा आगू है। अरे बाबा छोड़ के जाने के मतलब हुआ उन लोग गुस्सा में है, ये राज छोड़ के मैं जाऊंगी नहीं, बल्कि कुछ देर के लिए आप अपना ससुराल चले जाइए, मैं अपनी नैहर चली जाऊंगी, बेटा इंदल को भी लेकर चली जाऊंगी, हम लोग ना उसके नजर पर रहूंगी, गुस्सा उसका शांत हो जाएगा। 3 महीना 4 महीना 6 महीना जब नैहर में गुजारूंगी, रुदल सिंह जंगल का शेर है, गलियों का बादशाह, दिन रात 3 तरवार गोली गट्टा से खेलने वाला कड़क दिमाग की आदमी है, राजगद्दी पर बैठेगा, चैन तरह के आदि पहुंचेंगे, नाना प्रकार की वातावरण सुनेगा, साहिब की फैसला करते करते दिमाग उसका पच्ची हो जाएगा। फौरन अपनी रानी को बोला करके गया, रानी ये राज मुझसे चलने वाला नहीं है, तू मुझे इजाजत दे तो मैं इसी टाइम भैया को खबर करके भैया को बोला कर फिर से राजगति पर बैठा दूंगा, मैं जंगल का शेर बन जाऊंगा। बिल्कुल सही कह रही रानी, बाद में दम है आ गया मुखी क्या कल दिमाग में घुस। अरे पगली भी ये बाद में दम है, वो हरम दादा चला कर तो देख एक आदमी अपने पता चल दीवार ठिकाना पड़ा जाए, इसलिए तो कह रही जासू से काटा निकल रही है तो तलवार मारना क्या जरूरी है। ठीक कह रही रानी, चल तुम्हारी बात ठीक है, और रानी तुम जाकर के समझा बुझा दे एक बार ताकि समझ जाए घर बर्बाद ना करे। देवर की रिक्स मेरे ऊपर है कि मैं देवर को जो भी कहूंगी वो मेरी बात को अवश्य रखेगा, लेकिन परिवार की बेटी गोतनी है उसकी नो गारंटी है। अरे बाबा परिवार का सदस्य है ना, समझाना तुम्हारा कर्तव्य बनता है। मेरी प्रयास जारी रहेगी, तब तक जाइए आप चाय पीजिए, मैं देवर को मना कराता हूं। ठीक है राम। Hey!
क्या बात है भाभी जी। अरे जब से तुम्हारी दोला भला करके मैंने नैना किला सिराज महबा लाया, कभी तूने अपनी महल को छोड़ करके दरबार नहीं आती थी, लेकिन आज क्या बात है कि तूने अपनी महल को छोड़ करके मेरी दरबार आ गई है। क्या माधेवला कुछ बोल करके सुनाई है? चोर बोले जोर से, सच्चाई भी छिपाने की कोई हद होती है, झूठ भी बोलने का कोई तौर तरीका होता है। आखिर बात क्या है भाभी? मैंने समझा नहीं। नहीं समझे? मैं पूछती हूँ कि जिस भाई के लिए दुनिया दुनिया डाका डालकर सोने के सिंहासन बना दिए, पांच मान की बिल्डिंग ठोक दिए, नवरत्न दरवाजा बनाकर उस पर कागज गद्दी पर मैया को बैठा दिए, जिस भाई के सामने से कभी गुजरते थे नहीं, मेरी गोदरी महल से निकलकर परछाई में बोलती थी नहीं, लेकिन आज क्या गलती मेरे सामीनाथ क्या था कि दोनों पति पत्नी मिलकर उसे क्वेश्चन और प्रश्न पूछ रहे थे, ठसा ठस जवाब चल रही थी, लेकिन ये तो नहीं सोचे कि आज इतने साल के बाद मैं दोनों पति पत्नी मिलकर भैया से जवाब कर रही हूँ बेतुक के, उसके दिल पर क्या बीतता होगा इसके बारे में सोचे आप? भाभी जी सच में आज मैंने अपने भाई साहब के सामना सर उठा करके जवाब किया, लेकिन इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, गलती तो तुम्हारी बेटा का है। मैं समझती हूँ कि मजबूरी का हालात में जज्बात बिक चुकी है, लेकिन मैं ये भी पूछने के लिए चाहता हूँ कि जब इंद्रलाल और अमरजीत झगड़ा क्या था, तो ये पता बना लेकर अमरजीत किसके पास गया था? वो अपने माँ के पास गया था। और मेरी गोतनी किसके पास गई थी? मेरे पास आई थी। आपके पास जब मेरी गोतनी आई अपने बच्चे की मजबूरी सुनाने के लिए, तो आपने क्या समझौता किया, क्या समझाया अपनी पत्नी को? मैंने लाख बार समझाया, लाख बार बुझाया, लेकिन वह बात को नहीं मान रही। बदमाश के बोली में कहीं लगाम रहते हैं, उसका बोली लड़मता ही रहता है। मेरी गोतनी ने रोते हुए अपने बच्चे के हालात सुनकर उसका नतीजा देखकर इसके पास आया कहने के लिए, ये बच्चे को समझाया नहीं, पत्नी को बुझाया नहीं, दूसरा बहु करने लगा। बहु करने के लिए कमर में ताकत है, बेटा जन्माने के लिए छाती में दम है, बड़े बड़े योद्धा से लड़ने के लिए भुजा में बल है, लेकिन एक मुट्ठी की औरत को सैंतने के लिए और समझाने के लिए इसके पास आकर नहीं है। तो क्या करूं इस राज के लिए? मैंने अपने बेटा रानी को मरने के लिए छोड़ दूं तो तुम लोगों को अच्छा लगेगा? बेटा के राजा छे, लेकिन तीन गो कोरलेस चार गो ने रखने छे दिए गो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अपने पत्नी को मार दीजिए, बेटा को मरने के लिए छोड़ दीजिए, ना कोई मरेगा ना ये घर बिगड़ेगा, समझ गए ना? पत्नी जब रूस जाती है उसे मनाने के लिए तौर तरीका सीखना चाहिए कि किस तरह उसे बोली से प्यार से बोलो बोलो किस तरह से मनाऊंगी वो मेरा घर पास जा। अच्छा जी जी, तो उसको हम जाएंगे मनाने के लिए, पान प्रसाद ले या धूप अगरबत्ती ले या जा करके अगरबत्ती दिखाएंगे दोनों माँ बेटा, तुम्हारी यही कहना है? समय पर गधों को पाप का ऐसा काम नहीं किए ना कभी करेंगे, चाहे मर गया मरने दे। धूप अगरबत्ती क्यों दिखाइएगा? मैं समझाती हूँ, बताती हूँ किस तरह समझाइएगा। हेलो, कैसे समझाएंगे उसको? मीठी मीठी आहा।